प्रदेश में उनका कहना है कि हमने तो शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया था, मोहन यादव को हम नहीं जानते। इन तीनों में से कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें ये पता ही नहीं चला कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये खुद चौंक गए कि इनका नाम अनाउंस हुआ है। तो जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या काम को बांटा गया है या मोदी का काम बढ़ा दिया गया है? संसद की सुरक्षा में जो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हर चीज में मोदी की गारंटी ही चलेगी? गलत और सही पर बात होना जरूरी है। तो जब वहां अगर सुरक्षित नहीं है लोग, तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। जनता का उन पर विश्वास बनेगा या नहीं बनेगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मुद्दा देश का के खास एपिसोड में। देश में इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ और आज मुद्दा देश का में उन्हीं बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे फैसले भी लिए गए और कुछ ऐसे भी मामले निकलकर सामने आए जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सप्ताह तीन राज्यों के मुख्यमंत्री चुने गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये नए चेहरे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साह को सीएम बनाया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तीनों ही नाम ऐसे थे, बहुत कम लोग इन्हें जानते थे और कहीं ना कहीं तीसरी पंक्ति में या सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए थे। बहुत सारे इन तीनों में से कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें ये पता ही नहीं चला कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये खुद चौंक गए कि इनका नाम अनाउंस हुआ है। जनता का उन पर विश्वास बनेगा या नहीं बनेगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आम जनता लगातार ये कह रही है कि हमने, जैसे कि मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लूं तो मध्य प्रदेश में उनका कहना है कि हमने तो शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया था, मोहन यादव को हम नहीं जानते। हमने मामा को वोट दिया था, हम किसी मोहन यादव को नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बगावती सुर जो है ना, वो इस हफ्ते देखे गए हैं और धीरे धीरे वो सुलगते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि ज्यादा कुछ हो हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेल्ट ज्यादा है तो आदिवासी समुदाय से ही आते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं एकदम से लोग कहीं ना कहीं चौंक गए। वसुंधरा राजे जहां रेस में सबसे आगे थी, उसके बाद बाबा बालकनाथ, इनको पीछे छोड़कर राजस्थान में एक नया चेहरा सामने आ गया। तो जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या हर चीज में मोदी की गारंटी ही चलेगी? क्या काम को बांटा गया है या मोदी का काम बढ़ा दिया गया है? देखिए, अगर हर राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या अगर वहां प्रचार के लिए मोदी जी ही जाएंगे, मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर वहां के सीएम का क्या काम है? तो इससे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी का काम कम नहीं हुआ है, बल्कि मोदी का काम और बढ़ा दिया गया है। जहां एक तरफ ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि काम को बांटा गया है, तो दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि काम कहां बटा है, ये बड़ा सवाल है। क्या मोदी के चेहरे पर ही देश आगे बढ़ेगा, मोदी नहीं तो कोई नहीं वाली बातें क्यों देश में उठ रही है? विपक्ष भी इस बात को उठाता आया है कि क्या पूरे देश में, पूरे बीजेपी में, सिर्फ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव प्रचार करेंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो विधानसभा हो या कोई भी आम चुनाव हो? क्या बीजेपी के पास कोई और चेहरा नहीं है, या बीजेपी को डर है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और अगर ऐसा है तो वाकई बीजेपी को सोचने की जरूरत है, और इसीलिए ये बातें लगातार देश में उठ रही हैं। तो इससे तो कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है। ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं धुंधला होता हुआ नजर आया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मोदी मैजिक अभी भी है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था संसद पर हमला, संसद की सुरक्षा में चूक, वो भी 13 दिसंबर के दिन। 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकी घटना घटती है, संसद पर हमला होता है, जैश-ए-मोहम्मद
लश्कर ए तायबा के आतंकी जो है AK-47 लेकर सफेद एम्बेसडर में आते हैं और एक के बाद एक धुआंधार गोलियों से बरसात कर देते हैं, इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। उसी दिन को चुना गया लेकिन 22 साल बाद। इस दिन को भारतीय इतिहास में काला दिन माना जाता है। आज तक की घटनाओं में संसद पर यह तीसरा हमला था, जिसमें से एक तो पूर्णतः आतंकी हमला था जिसका जिक्र अभी मैंने किया, 2001 वाला मामला। एक हमला अंग्रेजी हुकूमत में किया गया था जो कि भगत सिंह बटुकेश्वर ने किया था। जी हाँ, सामने में बॉम्ब फेंका गया था। इसके साथ ही इस पूरे मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी हुई थी। अंग्रेजों ने इसे आतंकी हमला ही कहा था और इस तीसरे हमले का कोई नाम रखना अभी जल्दबाजी होगी। ये नाम रखना अभी बाकी है क्योंकि ना तो ये किसी तरीके का आतंकी हमला है। दूसरे एंगल से देखा जाए तो इस हमले को बेरोजगारों द्वारा अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि देश में इन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही बढ़ रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस वजह से जब कहीं हमारी आवाज नहीं सुनाई दी तो हमने ये फैसला लिया। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ इस पूरे मामले पर नहीं कहूंगी। दूसरे एंगल का जिक्र किया मैंने तो बेरोजगारी की आवाज उठाने का तरीका, उन्होंने भगत सिंह को चुना। भगत सिंह एक क्रांतिकारी जो बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों को, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवा दिया अंग्रेजों के सामने, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फांसी पर चढ़ने से भी उन्होंने उफ तक नहीं की देश के लिए। वो इतनी कम उम्र में भी फांसी पर चढ़ गए, तो भगत सिंह की राह को तो चुन लिया। लेकिन भगत सिंह ने ये क्यों किया था, इसके पीछे शायद जो वजह है वो ये लोग नहीं जान पाए। आज संसद पर किसी भी तरीके का हमला करना निंदनीय है, गलत है, देश की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर संसद के अंदर कैसे कोई जा सकता है। भले ही ये कलर स्टिक थी जिसे धुआं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था, इसमें जहरीला धुआं हो सकता था। जिन सांसदों को हम चुनकर संसद के अंदर भेजते हैं उनकी जान पर आफत आ सकती थी, तो जब वहां अगर सुरक्षित नहीं है लोग तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। इस पूरे मामले पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों का, जैसे कि कल भारत एट नाइन के एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, कुछ ऐसा ही इस वक्त दिखाई दिया। जो तीसरा बड़ा पॉइंट है वो ये कि जहां शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात चर्चाओं में थी, चर्चा क्या होगी ये तो बीजेपी के पास ही बंद है चर्चा, क्योंकि बीजेपी में जो चर्चा में होता है वो कभी होता नहीं है धरातल पर। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन तीन राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री चुने हुए हैं और चुने गए हैं, इससे बात साफ हो जाती है कि जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो उलट जाते हैं तुरंत। जो आप सोच रहे हैं बीजेपी में उससे उल्टा ही होता है। तो अभी चर्चाओं में ये है कि शिवराज को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो क्या मिलेगी क्या होगी वो अभी किसी को नहीं पता है। कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन शिवराज खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं एमपी में हूँ, एमपी में ही रहूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये खुद बयान जो है शिवराज सिंह चौहान के थे। अब देखना ये है कि क्या फैसला होता है। जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये कि देश में लाडली बहन योजना और उज्ज्वला योजना की बात सबसे ज्यादा चरम पर थी। इन विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों पर बातें हुई। अब लाडली बहन योजना को लेकर एक लेटर जारी किया गया था जिसे वापस ले लिया गया है। दरअसल सागर के डीएम ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नई अपार लगाने वाली लाडली बहन योजना को लेकर प्रदेश में प्रतिदिन सियासत हो रही है। जी हाँ, योजना को लेकर नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ अभी बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं एक दिन पहले सागर प्रशासन का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस पत्र में लाडली बहन योजना में अपात्र महिलाओं से योजना का लाभ छोड़ने की बात कही गई है। प्रशासन के आदेश के बाद सागर की करीब 511 लाडली बहनों ने योजना का लाभ छोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया। एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या योजना आगे जारी रहेगी, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप इतनी बड़ी योजना जिसने आपको जिता दिया उस पर आप कह रहे हैं कि आप सोचेंगे कि इस योजना के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं मिलना है, क्या इसी को आप खत्म कर रहे हैं,
क्या इसी के साथ आप ये फैसला ले रहे हैं? ये भी एक सवाल है जिस पर आपका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और पांचवा पॉइंट ये है कि मुद्दा देश का प्रोग्राम है तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो सर्वे कराने का फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये देश के सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये एक मुहर है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और धीरे पीछे पीछे फिर श्री कृष्ण का मंदिर भी बनकर तैयार होगा, भव्य मंदिर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा, बड़ा फैसला यहाँ सुनाई दिया। तो आखिर इन सभी चर्चाओं को दिखाने का काम किसका है? मेन पॉइंट ये है, इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है? काम कैसा भी हो सकता है, मुद्दा कोई भी हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कभी कभी कुछ खट्टा भी हो सकता है, कभी कभी कुछ मीठा भी हो सकता है। इन सब पर बात करने का काम है और ये काम होता है एक पत्रकार का। अगर पत्रकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाएंगे तो देश में जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो ये सारा काम होता है एक पत्रकार का, जो हो उसकी चर्चा हो, गलत और सही पर बात होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप गलत का ही प्रचार करें या गलत को ही आगे बढ़ावा दें, आप सही मामलों पर भी बात रखें, सही मुद्दों पर भी बात रखें, सही चीजों को भी आगे बढ़ाएं, भले ही वो विपक्षी द्वारा कही गई बातें हो या सत्ता पक्ष द्वारा। ये पत्रकारिता का धर्म है, पत्रकारिता का धर्म यही सिखाता है। कुछ पत्रकार जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, उनके लिए बात है। हम तो ना गोदी में आते हैं और ना उन पत्रकारों की श्रेणी में, क्योंकि ये पत्रकार बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े चेहरे हैं, देश में इनका नाम है, देश में कई लोग, हजारों लोग इन पर विश्वास करते हैं, इनको सुनते हैं। हम एक छोटे से पत्रकार हैं, ऐसे लोगों की छत्र छाया में हम सीख रहे हैं, सीखे हैं, इन्हीं को देखकर बड़े हुए हैं, उनकी पत्रकारिता को सुनते हैं, उन्हीं पत्रकारों को समझते हैं और देश भी इन पत्रकारों को देखता है। तो जहन में अभी दो तीन नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि दीपक शर्मा हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, रवीश कुमार जी हो गए। इनकी पत्रकारिता का महज एक ही एजेंडा होता है, देश में होने वाली घटनाओं को लेकर तो ये बात नहीं करते, देश में क्या चल रहा है उस पर तो ये बात नहीं करते, देश के भविष्य के लिए होना चाहिए उस पर ये बात नहीं करते, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो उनके एजेंडे में है ही नहीं। ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी खेमे में आखिर क्या हो रहा है, आखिर वहां क्या बदलाव हो रहा है, आखिर वहां क्या हलचल है, क्या होगा राजनाथ सिंह का, क्या होगा नितिन गडकरी का, क्या होगा, इस मुद्दे पर ये बात करते हैं जो कि एक अंदरूनी बात है। राजनाथ सिंह का क्या होगा, नितिन गडकरी का क्या होगा, ये बीजेपी जाने, और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हमें देश से मतलब है। राजनाथ सिंह को कोई भी पद मिले या ना मिले, उनकी जगह कोई और लेगा, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश में इस वक्त किस बात को सबसे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, पर ये एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा से ही हमने देखा है। आप लोग इनको सुनते हो, इनको बहुत अच्छे से सुनते हो, बिल्कुल, और रोजाना सुनते हैं, टाइम टू टाइम सुनते हैं। ये जो व्यूज आते हैं ना इनके चैनल्स पर, इनके वीडियोज पर, उससे पता लग जाता है कि देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या मैं लाखों भी बोल दूं तो गलत नहीं होगा, लाखों लोग ऐसे हैं जो इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने से, बोलने से क्या देश के अंदर हकीकत में घटना हुई है, क्या वास्तव में ये सब बातें चली, ये महत्वपूर्ण सवाल है। होने वाली घटनाओं को लेकर बात नहीं करते, जो घटनाओं से जुड़ी बातें हैं, अच्छा हुआ, सकारात्मक हुआ, उस पर बात नहीं करते, देश कैसे आगे बढ़ेगा इस पर बात नहीं करते, जो कि चौथे स्तंभ का काम है, इन पर चर्चा करना, पक्ष और विपक्ष की बातों को देश दुनिया तक पहुंचाना, ये इनका काम है। आप कुछ तस्वीरें देखिए, उन तस्वीरों को देखकर फिर कमेंट जरूर करिएगा।
तो देखा आपने, ऐसे थंबनेल बनाकर ये सनसनी पैदा करते हैं, ऐसे थंबनेल बनाकर ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सनसनी पैदा करने का ये जो काम करते हैं, इस बात से अभी फिलहाल देश का कोई लेना देना नहीं है। इनके थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं गडकरी राजनाथ सिंह का क्या होगा, इससे क्या मतलब होना चाहिए। वो खुद इस बात का खंडन करते हैं, ये सनसनी फैलाकर आखिर करना क्या चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आज हमने मुद्दा देश का में बीते सप्ताह जो भी बड़े मुद्दे आए उन पर हमने बात की है, चर्चा की है, लेकिन हमने ऐसे पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं आईने दिखाने की कोशिश की है कि आप सिर्फ नकारात्मकता मत फैलाइए, जो भी सकारात्मक हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि आप ही से हम सीख रहे हैं, आप ही को हम देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के मुद्दा देश का के खास एपिसोड में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।